तो गाइज, टुडे इज अवर सेवन क्लास एंड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस इंटरनल फिनिशिंग एंड एक्सटर्नल फिनिशिंग एंड ब्रिक वर्क्स। दीज आर द थ्री पार्ट्स, दीज आर द थ्री मेन फिनिशिंग पार्ट्स। मीन्स ब्रिक वर्क वी कैलकुलेटेड इन फिनिशिंग पार्ट। ब्रिक वर्क इज नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? वी हैव ऑलरेडी डन स्ट्रक्चर पार्ट्स फॉर सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। नाउ वी विल स्टार्ट टूडे हाउ वी कैलकुलेट ब्रिक वर्क्स। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइज कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वॉल्स वी हैव। कितने टाइप की वॉल होती है भाई, कोई बोलना चाहेगा? कितने टाइप की वॉल्स होती हैं? हाँ, वो थिकनेस के हिसाब से होती है ना। अगर हम प्रॉपर्टीज के, इफ वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज, सो हाउ मेनी टाइप्स वॉल्स वी हैव? हैव एनी आइडिया सर? हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश अरे बॉन्ड। वो तो उनके बॉन्डिंग के हिसाब से। प्रॉपर्टी टू काइंड्स ऑफ वॉल्स विच वी हैव, लोड बियरिंग वॉल्स एंड नॉन लोड बियरिंग वॉल्स। सो लोड बियरिंग, जैसे कि नाम ही से हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट बियर्स लोड। मतलब ये लोड ले सकती है, ये वॉल जो है लोड ले सकती है, दैट इज द लोड बियरिंग वॉल्स। ठीक है, जो आप कह रहे हो ना राहुल कि डिस्ट्रीब्यूशन वॉल और मेन वॉल, मेन वॉल एक्चुअली इज अ लोड बियरिंग वॉल्स। ठीक है, जो हम लोग घर के चारों तरफ की जो पेरीफेरी जो वॉल्स होती है हमारी, दोज वॉल्स वी कैन से इज अ लोड बियरिंग वॉल्स, राइट? जी, और ओके अभी सर। वो लोड बियरिंग भी नहीं है एक्चुअली ना। ये पहले के जमाने में अगर आप जाओगे, पिछले 30-40 साल पहले जो घर बनते थे उसमें क्या होता था, कॉलम्स वगैरह नहीं होते थे उसमें। कॉलम्स, बीम्स, वी डोंट हैव अ कॉलम, बीम, स्लैब्स, सॉरी स्लैब्स देयर, बट ये स्ट्रक्चर फर्स्टली, देन वी क्रिएट अ वॉल्स। ठीक है, आपने देखा होगा, यू कैन सी द सम बिल्डिंग्स, द बिगेस्ट बिग प्रॉपर्टीज एंड लग्जरी प्रॉपर्टीज हैविंग अ ग्लास स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटसाइड। दे कवर, दे डू नॉट कवर आउटर फेस फ्रॉम द ब्रिक वर्क, दे विल कवर आउटर फेस विद द फसाड वर्क और ग्लास वर्क, है ना? नाउ देन दे क्रिएट अ पार्टीशन अकॉर्डिंगली। पार्टीशन मटेरियल्स, दे कैन यूज जिप्सम बोर्ड और दे कैन यूज एसीसी ब्लॉक्स ऑल्सो, दे कैन यूज ब्रिक वर्क ऑल्सो। तो पार्टीशन मीन्स दोज वॉल्स आर जस्ट फॉर अ क्रिएट अ पार्टीशन, मीन्स टू 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 पार्टी टू पार्टी टू हाइट, ये बच जाता है। ठीक है, समझ गए? इसलिए जो है ब्रिक वर्क को हम लोग क्या करते हैं, 9 इंची और 4 इंची में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब आपने एक चीज पढ़ा होगा, जो हमारे जो ब्रिक वर्क होता है उसमें क्या क्या जो जो ब्रिक ब्रिक जो होती है हमारी ब्रिक्स, उसमें जो ब्रिक के साइजेस आते हैं वो क्या होते हैं, बता सकते हो? स्टैंडर्ड साइज और ये अपना क्या बोलते हैं, नॉमिनल एक्चुअल साइज और नॉमिनल साइज क्या होता है हमारा, 19x9x9 क्या है ये, कौन सा साइज है? मॉड्यूलर साइज सर, ब्रिक का स्टैंडर्ड ये एक्चुअल साइज है ना? और जो नॉमिनल साइज, साइज है जो नॉमिनल साइज है वो क्या है, 20 10 10, 20 10 10, मतलब 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी अभी ये तो आपको पता ही होगा कि यार जब हम ब्रिक वर्क करते हैं तो ब्रिक वर्क का जो फर्स्ट लेयर है ना, कभी देखा है फ्रॉग, जानते हो ना ब्रिक वर्क में, पढ़ा ही होगा यार आप लोगों ने, यू हैव आइडिया जी अबाउट द सर। फ्रॉग, बट व्हाट इज फ्रॉग, यस फ्रॉग व्हाट इज फ्रॉग? जी सर, वो ब्रिक के ऊपर में एक जो लेयर दिया जाता है, ऊपर में एक कंपनी जो अपना टैग लगाती हाँ, है। दैट यूज फॉर अ मार्किंग, दैट यूज फॉर अ ब्रांडिंग एंड दैट यूज। उसका दूसरा रीजन क्या है फ्रॉग का, व्हाई वी यूज फ्रॉग? कैसा होना चाहिए भाई फर्स्ट लेयर ऑफ ब्रिक, ऐसे ऐसे या फ्रॉग नीचे की तरफ, कैसा होना चाहिए? सर फेस के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। फ्रॉग का कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए फ्रॉग को, हाँ ऊपर होना चाहिए फर्स्ट शुड लेयर। बी ऑन द टॉप। यस, फ्रॉग शुड बी ऑन टॉप। ठीक है, तो जब भी आप साइड पे जाओ, सो यू हैव टू बी कीप इन माइंड कि हाउ आवर मैसन इज पुटिंग द ब्रिक्स। इफ यू आर स्टैंडिंग देयर एंड ही इज पुटिंग अ रॉन्ग वे, देन यू कैन इंस्ट्रक्ट हिम दिस इज रॉन्ग वे।
आप लोगों को कई बार दिखेगा ये चीजें साइट पे होती भी। सो क्वांटिटी सर्वे के साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, एग्जीक्यूशन का नॉलेज भी होना चाहिए, कई बार ये चीजें भी आपके काम आती हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये जो हमारा है, ये जो फर्स्ट रूम है, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमें शायद दिख रहा है प्रोजेक्ट, हाँ या ना बोलो यार। यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो पहला जो ये S1 है, S1 मतलब क्या होता है? स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम। तो ये स्टोर रूम 1 है, ये क्या है? ये बेडरूम 2 है, ये है बेडरूम 1, इसके साथ में अटैच है वॉशरूम, ये किचन, ये हॉल, यहाँ पर एक फिर एक बाथरूम है, टॉयलेट है मतलब, फिर एक बेडरूम है, फिर एक बेडरूम 2 है, और ये टॉयलेट जो है कॉमन वॉशरूम है यहाँ पर, ठीक है। इसका साइज है 5x2, इसका साइज 5x4, इसका साइज 5x5, बाथरूम का अंदर से अंदर साइज है, जो टॉयलेट है उसका है 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर, किचन का साइज है 5 मीटर बाय 3 मीटर, और हॉल का है 5 मीटर बाय 8 मीटर, और इसका 5x5, इसका 5x4, और इसका 5x2। अरे अभी कुछ नोट मत करो, ये आपको वीडियो में दिख जाएगा, अभी केवल क्लास के बाद इसको जो है, जब आप वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके बाद इसको आराम से बैठ के आप एक काम करो, इस ड्राइंग को आप बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसको आप यू कैन मेक अ ड्राइंग ऑफ दैट इन योर कॉपीज, ठीक है। आई विल शेयर अ न्यू लिंक आफ्टर 5 मिनट्स, इन बिटवीन यू कैन प्रिपेयर दिस इन योर नोटबुक, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी कर लो अपनी नोटबुक पे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? एवरीवन हैव अ स्क्रीनशॉट? नाउ यू कैन प्रिपेयर दिस ड्राइंग इन योर नोटबुक, राइट? आई विल गिव यू 5 मिनट्स, आई विल शेयर अ न्यू लिंक ऑफ दैट न्यू न्यू मीटिंग, राइट? Till that you can prepare this. हो गया ना? सबने ले लिया ना इसका स्क्रीनशॉट? ठीक, ओके सर, डन हो गया, ले लिया। ओके। तो मैं 5 मिनट बाद आपको लिंक भेजता हूँ, तब तक इसको ड्रॉ कर लो नोटबुक पे, राइट?